तो दोस्तों इस मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालते हैं हल्दी को और उसको ग्राइंड करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आप घर में पिसा हुआ मसाला खाना पसंद करते हैं और एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं जो आपकी ग्राइंडिंग टास्क के साथ साथ मसाले को भी अच्छे से पीस दे, तो ऑर्पेट का ये किचन प्लेटिनम 1200 वॉट मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑर्पेट इसको मिक्सर का बाप भी कहते हैं, इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऑर्पेट के इस किचन प्लेटिनम 1200 वॉट मिक्सर ग्राइंडर के अनबॉक्सिंग, रिव्यू और डेमो के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हल्दी, गरम मसाला, राइस और कोकोनट को भी ग्राइंड करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट और पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। इस चैनल पर मैं होम अप्लायंसेज और किचन अप्लायंसेज रिलेटेड रिव्यू एंड अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ऑर्पेट एक इंडियन कंपनी है और ये एक टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ऑर्पेट के क्लॉक्स, होम अप्लायंसेज, फैन और स्विचेस काफी अच्छे होते हैं और ऑर्पेट के इस किचन प्लेटिनम 1200 वॉट मिक्सर ग्राइंडर में आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस पे इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर लिखे हुए हैं जिनको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिल जाता है आपको इस ऑर्पेट के इस मिक्सर ग्राइंडर के बॉक्स में। दोस्तों ऑर्पेट के इस मिक्सर ग्राइंडर के बॉक्स में आपको ये मेन यूनिट, चटनी जार विद लिड, मिक्सर जार विद लिड और ब्लेंडर जार विद लिड मिल जाते हैं जिनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ये दो यूनिवर्सल कपलर मिल जाते हैं। ये यदि आप इस जार के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक कपलर लगा हुआ है जिसको यदि आप गलती से टूट जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। साथ ही साथ इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ आपको ये इंस्ट्रक्शन कम वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसको आप इसको यूज करने से पहले पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इस मिक्सर ग्राइंडर के ओवरव्यू की, तो ये है इसकी मेन यूनिट। दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर की हार्ट होती है उसकी मोटर, मोटर जितनी अच्छी होगी उतना ही मिक्सर ग्राइंडर परफॉर्म करेगा। इसके अंदर आपको 1200 वॉट डबल बॉल बियरिंग मोटर मिल जाती है जिसकी रोटेशन स्पीड है 26,000 RPM, यानी इसमें आपको पावर और परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको 3-speed सेटिंग स्विच विद इंचेस मिल जाता है। तो यदि आप वाइपिंग और ब्लेंडिंग का कोई काम करना चाहते हैं तो इसको आप नंबर 1 पर सेट कर सकते हैं। वहीं यदि आप मिक्सिंग का कोई काम करना चाहते हैं तो इसको आप नंबर 2 पर सेट कर सकते हैं और यदि आप इसमें ड्राई और वेट ग्राइंडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको नंबर 3 पर सेट कर सकते हैं। इसमें आपको इंचेस का फीचर मिल जाता है, ये फीचर काम आता है वेट ग्राइंडिंग करते समय, जिसकी वजह से यदि ग्राइंडिंग करते समय कुछ स्पेस क्रिएट हो गया है या फिर बुलेट में कुछ फंस जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है और आपकी वेट ग्राइंडिंग काफी अच्छे से हो जाती है। इस मिक्सर ग्राइंडर में आपको 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाती है। अब बात करते हैं एसेसरीज की, तो इसमें आपको ये 3 जार विद लिड मिल जाते हैं जो बने हैं स्टेनलेस स्टील से। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी और मजबूत है। साथ ही साथ इसमें आपको स्टेनलेस स्टील 304 विद हार्ड क्रोम प्लेटिंग ब्लेड मिल जाते हैं जो आपकी हर तरह की ग्राइंडिंग नीड को पूरा कर देते हैं। यह है इसका ब्लेंडर जार जिसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर की। इसकी हेल्प से आप मिल्क शेक, फ्रूट शेक, लस्सी और ब्लेंडिंग जैसी चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ये हैंडल मिल जाता है जिससे आपको काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है और ये एक ट्रांसपेरेंट लिड देखने को मिल जाती है जिसे आप आसानी से लॉक कर सकते हैं। ये है ब्लेंडर जार, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की। इसमें आप बैटर फॉर इडली, डोसा और वड़ा और हर तरह के मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं, शुगर और राइस को भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसके साथ आपको इस तरह की लिड देखने को मिल जाती है। और ये है चटनी जार जिसमें आप वेट चटनी बना सकते हैं और गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और गरम मसाला जैसी चीजें इसमें पीस सकते हैं। तो इन जार्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यदि इस मिक्सर ग्राइंडर के पॉजिटिव और फीचर को समराइज करें तो ऑर्पेट के इस किचन प्लेटिनम 1200 वॉट मिक्सर ग्राइंडर में आपको 1200 वॉट पावर विद डबल बॉल बियरिंग मोटर, 3-speed सेटिंग विद इंचेस, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड विद हार्ड क्रोम प्लेटिंग, एंटी स्लिप वैक्यूम फिट, टेट्रा फ्लो टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी जैसे मेन पार्ट्स और फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब इस मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मटेरियल ग्राइंड करके देखते हैं। इसके लिए हमने लिया है राइस या चावल, हल्दी, गरम मसाला या खड़ा मसाला जो भी आप इसको कहते हैं और ये कोकोनट। इन चारों को हम इस मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके देखेंगे। सबसे पहले राइस को ग्राइंड करेंगे, तो इस मिक्सर जार में राइस को डाल लेते हैं।
तो हमने राइस डाल ली है, आप देख सकते हैं। अब इस मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं राइस पूरी तरीके से अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और उनका ये आटा बन चुका है। अब कोकोनट को ग्राइंड करते हैं और कोकोनट को हमने जार में डाल लिया है। अब ग्राइंडर को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोकोनट भी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब गरम मसाले को ग्राइंड करने के लिए हमने गरम मसाला जार में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब ग्राइंडर को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें गरम मसाला भी काफी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, यानी आप इसमें हर तरह के मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हल्दी को हमने जार में डाल लिया है इसको ग्राइंड करने के लिए। अब ग्राइंडर ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप हल्दी को भी इस मिक्सर ग्राइंडर में कितने अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। तो इस तरीके से आप इस मिक्सर ग्राइंडर में लगभग हर तरीके के मसाले को ग्राइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने ग्राइंड किया राइस को, कोकोनट को और गरम मसाले को। तो ऑर्पेड की तरफ से ये बेस्ट, पावरफुल और सबसे सस्ता मिक्सर ग्राइंडर है और इतनी पावर के साथ ये जिस प्राइस पर आता है उस प्राइस पर मार्केट में कोई भी मिक्सर ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ग्रीन और ब्लू। बात करें सेफ्टी की तो इस मिक्सर ग्राइंडर में आपको ओवरलोड प्रिवेंशन मैकेनिज्म और मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जिससे इसकी सेफ्टी बनी रहती है। बात करें यूजेस की तो इस मिक्सर ग्राइंडर को आप ब्लेंडिंग, मिक्सिंग और सभी तरह की ग्राइंडिंग करने के लिए, जैसे दाल, राइस, गरम मसाला और कोकोनट ग्राइंडिंग करने के लिए और चटनी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसका प्राइस है 3380 के आसपास। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। यदि आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप इसको ऑनलाइन अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन पे इसकी वाटेज पावर लिखी हुई है 750, जबकि ये 1200 वाट की है। दोस्तों बात करें कंक्लूजन की तो इस मिक्सर ग्राइंडर में आपको पावरफुल मोटर, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और सभी एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक काफी अच्छा पैकेज बन जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर चेक करें और आपको अच्छा लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।